1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मात देकर देश को विजयी बनाया था इससे भी लगभग सभी लोग वाकिफ हैं। भारत की इस ऐतिहासिक विजय को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जबलपुर में सेना की डेयर डेविल्स टीम ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। सेना के सिग्नल कोर की डेयर डेविल्स टीम मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज कारनामे दिखाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर जबलपुर में 10 दिनों के लिए मौजूद विजय मशाल के स्वागत में डेयर डेविल्स ने कुछ ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जबलपुर में सेना के गौरीशंकर परेड ग्राउंड में डेयर डेविल्स के शो ने समा बांध दिया। मेजर दिशांत कटारिया और ब्रिगेडियर राहुल मलिक की अगुवाई में डेयर डेविल्स ने मोटरसाइकिलों से सुसाइडल क्रॉसिंग करते हुए शो की शुरुआत की। इसके बाद चलती मोटरसाइकिलों पर ह्यूमन पिरामिड बनाकर डेयर डेविल्स ने खूब तालियां लूटी। कभी आग के भीतर से बाइक निकालकर तो कभी ट्यूबलाइट्स और कांच फोड़ते हुए बाइक निकालकर तो कभी जवानों के ऊपर से बाइक कुदाकर डेयर डेविल्स ने बता दिया कि आखिर क्यों वो इतने जाबाज माने जाते हैं। You all know about this occasion already. जो 1971 इंडो-पाक वॉर का जो विजय हुआ इंडिया का, उसका हम 50 इयर्स स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं। उसमें जो पिछले 10 दिन से टिल अबाउट 11th अक्टूबर ये फ्लेम हमारे पास यहाँ जबलपुर में रहेगा, हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जबलपुर के जो नागरिक है सबके पास इस फ्लेम और 1971 विक्ट्री की जो संदेश है वो ले जाएं। इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ये सब सेरेमनीज कर रहे हैं हम, जहाँ स्कूल चिल्ड्रन आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स आ रहे हैं और समाज के कई वर्गों से लोग आके फ्लेम के बारे में भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स जैसे डेयर डेविल्स का शो, ये सब भी इनका भी आनंद उठा रहे हैं। सर, डेयर डेविल्स ने आज फिर एक बार खूब तालियां बटोरी हैं, कितना बड़ा ये गौरव का क्षण है डेयर डेविल्स अपने आप सिग्नल कोर के लिए। डेयर डेविल्स हमारी इंडिपेंडेंस से पहले से उनकी स्थापना हुई है, तब से लेकर कोर ऑफ सिग्नल्स का एक अंग बन के इंडिया नेशनल लेवल पर कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे सेरेमनीज में भाग लेते आए हैं और उनके लिए एक और ऐसे सेरेमनी है जिसमें वो अपनी टैलेंट्स दिखा रहे हैं और जिसमें सेरेमनी का भी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके सेलिब्रेशन के वार के सेलिब्रेशन डेयर डेविल्स का प्रदर्शन बूस्ट करता है क्या? क्या समझा नहीं मैंने, क्या मतलब कितना उत्साह भरता है डेयर डेविल्स का प्रदर्शन, रोमांचकारी है ये? सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना, सारे बच्चे देख रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स देख रहे हैं, उन सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। और उसी बहाने ये फ्लेम के बारे में भी उन्होंने समझ लिया, जो 1971 वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वही है उद्देश्य कि हम सब इकट्ठा हो जाएं और 71 की विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, ये सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। अब तक 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी डेयर डेविल्स की टीम का ये शो जिसने भी देखा वो वाह कहने से नहीं चुप पाया। कार्यक्रम में मौजूद सेना के मध्य भारत एरिया के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने भी स्वर्णिम विजय वर्ष पर विजय मशाल के स्वागत में डेयर डेविल्स के इस शो को खूब सराहा। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।